हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो भाई आप सभी लोग? आई होप सारे भाई बढ़िया होंगे। छोटी वीडियो बना रहा हूँ मैं इन्फॉर्मेशन के बारे में। कल एक कमेंट आया था भाई का, जो फ्लाई व्हील है उसके नीचे से ऑयल आ रहा है। भाई ऑयल तो मेरी मशीन का भी आ रहा है, ये देख लो यहाँ पे फ्लाई व्हील यहाँ से आ रहा होगा ना ऑयल। भाई ये ऑयल आ रहा है आपका जो गियर बॉक्स का चार्जिंग पंप है ना, उसकी सील कटी हुई। तो इसका इलाज ये है कि आपका जो गियर बॉक्स है वो खुलेगा मशीन का बाद, वो फिर सील डलेगी उसकी चार्जिंग पंप की। ओके, तो भाई पहले तो अपने का इसका मशीन का कंट्रोल वाल करेंगे, उसके बाद फिर देखते हैं अगर गियर बॉक्स, अगर ये ऑयल ज्यादा आएगा फिर इसका गियर बॉक्स सब कर देंगे। पहले तो इसका कंट्रोल वाल का करेंगे, रोकेंगे ऑयल हाइड्रोलिक, ठीक है। भाई ये अंदर से कुछ मशीन है, ये दूसरा जो मैट है ना वो बिछाया था यहाँ पे। तो मैं आपको एक बात टाटा 315 के बारे में, जैसे इसका ये फ्रंट व्यूअर है यहाँ पे, ये तो इसका जो कनेक्शन होते हैं ना भाई, वो इसके अंदर ऐसे होते हैं कि जैसे पोकलैंड के अंदर वो होते हैं जॉयस्टिक होते हैं, तो वैसे कुछ सिस्टम इसके अंदर होता है। मतलब इस वाली मशीन के अंदर जो टाटा की मशीन है और जो एरेक्स आती है या फिर केस की आती है और जेसीबी की आती है, उसमें क्या सिस्टम होता है कि ये जो लीवर है ये तो इसके जस्ट नीचे इसके केसेस के अंदर उसका वो होता है कंट्रोल वाल फ्रंट बकेट का, ठीक है। इसके अंदर कुछ ऐसा वो सिस्टम कर देते है वो कि सीधा कंट्रोल वाल से चलती है मशीन, लीवर है कंट्रोल वाल में डायरेक्ट वो करता है। और इसके अंदर कुछ वो है सिस्टम, देख मैं आपको अभी दिखाता हूँ। इसके अंदर जॉयस्टिक वाला सिस्टम है इसके अंदर, ये देख लो, ठीक है, ये जॉयस्टिक वाला सिस्टम है। और जो इसके अंदर पाइप की जो प्रेशर वाली पाइप होती है ना वो इसके चाहिए, ठीक है, उसके हिसाब से फिर जो कंट्रोल वाल इसका आगे है यहाँ पे बैटरी बॉक्स, और उसके अंदर कमांड पहुंचती है तो उसके हिसाब से वो फिर चलती है आगे वाला। ओके भाई, एक दो बोल्ट भी खुले हुए हैं अपनी मशीन के नीचे के गियर बॉक्स, तो उसको आज डाल देते, दो बोल्ट है नीचे वाले, ठीक है। तो वो हटे हुए थे तो पहले बोल्ट ढूंढने पड़ेंगे, 16 नंबर के बोल्ट आएंगे। 16 नंबर की बोल्ट तो भाई है नहीं, अभी तो दिखाई नहीं दे रही 16 नंबर के। हाँ, एक तो ये रहा, एक बोल्ट ये रहा, और एक और चाहिए हमें ताकि उसको डाल दें हम, पड़ेगा शायद इसमें रखा था एक बोल्ट को। वही इसमें भी नहीं है तो एक बोल्ट ही डालना पड़ेगा आज, तो फिर डाल देंगे दूसरा कल परसों में, रेवाड़ी होके आना पड़ेगा उसके लिए एक बार। सबसे पहले भाई ने नीचे कुछ बिछाना पड़ेगा, नहीं तो कपड़े खराब हो जाएंगे सारे। ये कारपेट बिछाऊंगा पहले तो, ये बिछा दिया यहाँ पे। अब इसके नीचे घुसने की बारी, भाई ये वाले बोल्ट देख लो, और यहां से ऑयल आता है। ओके, नहीं यहां से ये आ रहा, ये ऑयल आ रहा है, इसका मतलब चार्जिंग पंप की सील है वो कटी हुई है, ठीक है। ये वाले बोल्ट है यहाँ पे, इसको कसेंगे यहाँ पे, ये वाले दो बोल्ट। तो भैया ये बोल्ट मैंने कस दिया है यहाँ पे, ये वाला ये दिख रहा होगा ना आपको, ये हटा हुआ था और एक इसके ऊपर का है, ठीक है। तो वो भी डालना है एक एक बोल्ट, बाकी तो सारे एकदम सही है। ये दो बोल्ट हटे हुए थे यहाँ से, और नीचे से भाई एक ये जो मेन होज पाइप है ये ढीली है, इसको भी मैं करता हूँ अभी टाइट, बाकी तो सही है बिल्कुल नीचे से, ठीक है। मशीन के ऊपर पानी मारेंगे क्योंकि इधर कल से ये मधुमक्खी है ना इसके ऊपर ही बैठी हुई है, ये देख लो। सुबह मैंने इसके ऊपर पानी डाल दिया था, ये नीचे पड़ गई थी, उसके बाद फिर यहीं पे आके बैठेगी। तो इसके ऊपर पानी मारते हैं एक बार, मशीन भी साफ हो जाएगी और ये भी सारी उतर जाएगी। तो यहाँ से ऑन होगी समर्सिबल मोटर, और वो रही पाइप वहाँ पे। सारी को धो दूंगा आज इसके, शैम्पू से धो दूंगा भाई आज इसको, चकाचक कर दूंगा बिल्कुल मशीन को।
A few moments later. तो भाई मशीन बिल्कुल धो दिए मैंने आज, तो अब इसका पानी यहाँ पे झड़ लेगा ना, फिर वहां पे खड़ी कर दूंगा। खिड़की वाला शीशा है नहीं, बहुत खराब दिखता है इसका। तो भाई आज का व्लॉग था बस इतना ही, अभी बिल्कुल रात हो रही है। ओके, मैं बैठा हूँ यहाँ पे आज के आगे, तो मैं मिलता हूँ यहाँ पे कल एक और व्लॉग के साथ। कल हाँ एक काम है अपने गांव के पास ही, तो वहाँ के आएंगे, उसके बाद फिर देखते हैं, फिर और कुछ काम होगा तो।